बिग बॉस के घर से बाहर आते ही श्रीजिता डे के बदले तेवर। टीना दत्ता को घर तोड़ने वाली कहने पर श्रीजिता ने दी सफाई। शालिन और टीना को लेकर कह दी श्रीजिता ने बड़ी बात। वेल, क्या कहा अपनी सफाई में श्रीजिता ने, आइए जानते हैं फर्स्ट इंडिया फिल्मी की इस रिपोर्ट में। वेल, बिग बॉस 16 से बीते हफ्ते एक या दो नहीं बल्कि तीन कंटेस्टेंट्स का सफर खत्म हो गया था। एक और श्रीजिता डे कम वोटों के आधार पर घर से बेघर हो गई, तो वहीं अब्दू रोजिक और साजिद खान ने अपने काम के चलते शो को अलविदा कह दिया था। वहीं शो के दौरान टीना दत्ता को लेकर दिया गया श्रीजिता डे का बयान अभी भी सुर्खियों में बना हुआ है। घर से बाहर आने के बाद टीना को दूसरे के घर तोड़ने वाली करार देना उन पर ही भारी पड़ गया। दरअसल श्रीजिता की बिग बॉस में वाइल्ड कार्ड एंट्री के तौर पर दोबारा वापसी हुई थी। इस दौरान एक्ट्रेस ने टीना दत्ता को लेकर कहा था कि उन्होंने कई बार लोगों का घर तोड़ने की कोशिश की है और इसीलिए वो खुद का घर नहीं बसा पाई। श्रीजिता के इस बयान पर टीना की मां ने नाराजगी जाहिर की थी। वहीं अब शो से बाहर आने के बाद श्रीजिता ने अपने बयान पर सफाई दी है। दरअसल हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में श्रीजिता ने कहा कि जब मैंने ये बात कही थी कि उसने कई लोगों का घर तोड़ा है, तब मेरा मतलब ये था कि उन्होंने सच में किसी का रिश्ता खराब किया है। टीना ने जो शालिन के साथ किया वो उसका कर्मा झेल रही है। मैंने जब ये बात कही थी तब मैं टीना से बहुत नाराज थी। मैंने शालिन के साथ टीना के रिश्ते को लेकर ये बात कही थी, लेकिन बाद में मैंने महसूस किया कि मुझे ऐसा नहीं कहना था। मैंने शो से एलिमिनेट होने के बाद उनसे माफ़ी भी मांगी थी। तो देखा आपने कि किस तरह से श्रीजिता को अपने बयान पर पछतावा हो रहा है और उन्होंने साफ कह दिया है कि उन्होंने घर से बाहर निकलते वक्त टीना से इसके लिए माफ़ी भी मांगी थी। आपको बता दें कि टीना दत्ता की मां मधुमिता दत्ता ने श्रीजिता के आरोप को लेकर एक इंटरव्यू में बात की और अपनी नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि वो इस आरोप का सबूत देखना चाहती है। आपको बता दें कि शो में टीना दत्ता और शालिन के बीच काफ़ी कुछ हमें देखने को मिला है। एक ओर शालिन का कहना है कि वो टीना को पसंद करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर टीना सिर्फ गेम खेल रही है, ऐसे उन पर आरोप लग रहे हैं। वहीं टीना का कहना है कि वो पहले शालिन को पसंद करती थी, हालांकि अब दोनों के बीच मन मुटाव देखने को मिल रहा है। यहाँ तक कि दोनों ने अपने रास्ते भी अलग कर दिए हैं। अब ऐसे में जिस तरह से श्रीजिता डे ने टीना दत्ता को लेकर कहा था कि टीना दत्ता लोगों का घर तोड़ने का काम करती हैं, लेकिन अब उन्होंने इस पर सफाई दी है और साथ ही माफ़ी भी मांगी है, उस पर आपकी क्या राय है हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। एंटरटेनमेंट की दुनिया से जुड़े हर एक लेटेस्ट खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।